विदिशा जिले के पठारी में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ओरछा जाते समय नगर के फार्म चौराहा पर अल्प प्रवास किया, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत अभिनंदन किया। इसी दौरान जीतू पटवारी ने परिचित अंदाज में सभी लोगों से राम राम की, लोगों से अपनी हक की लड़ाई जारी रखने की अपील की। कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, पूर्व विधायक कुणाल चौधरी, जिला अध्यक्ष राकेश कटारे और आनंद प्रताप सिंह ठाकुर के साथ ओरछा धाम के श्री राम राजा सरकार के पुनीत पावन दर्शन करने जा रहे थे। इसी दौरान पठारी क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गर्म जोशी के साथ पुष्प वर्षा कर स्वागत अभिनंदन किया। जीतू पटवारी ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भाजपा ने वोट के लिए गेहूं का 2700 रुपए समर्थन मूल्य किया था, जो अब हमें लेना है। यदि सरकार 2700 रुपए गेहूं का मूल्य नहीं देती है तो कांग्रेस किसानों के साथ सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। विदिशा से आशीष सहले की रिपोर्ट। साहब थोड़ा ऐसा हो जाओ यार, बिठाना है। 2700 रुपए गेहूं का दाम देंगे, लेना नहीं लेना? ये समझ के रहो सरकार, लेना नहीं लेना? बिना लड़े तो देती है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।